सलामैकम एवरी वन एंड गुड मॉर्निंग आपको आवाजें आ रही होंगी चिड़ियों तो की तो चिड़ियों की आवाज़ें तो वैसे ही आ रही है क्योंकि अंधेरा बचा हुआ इधर तो इस वजह से तो हमारी तो मॉर्निंग हो चुकी है हम लोग जाने लगे थे बाहर प्राइम मार्क जा रहे हैं कुछ चीज़ें खरीदनी हैं तो आपको पता कि सबसे ज़्यादा जो है ना रीज़नेबल प्राइस पे और जो आपको चाहिए होती हैं वो चीज़ें प्राइम मार्ग से हमें तो आसानी से अवेलेबल होती हैं मिल जाती हैं लाइक तो ये देखें चिड़ियाँ यहाँ पर आवाज़ें निकालती फिरती हैं ये देखें ये फ्रंट हिस्से को जितना भी साफ कर लें तो ये ऐसे ही रहता है तो अभी हम जाने लगे हैं Thank you. हम लोग ना जैसा कि मैं बता रही थी कि हमने प्राइमार्क जाना था प्रायमार्क हम गए हुए थे स्टोकपोर्ट में स्टोकपोर्ट टाउन में गए हुए थे जहां पे आपको सारे मतलब ना वहीं पे ब्रांड मिल जाते हैं अब तो जेडी का भी बहुत बड़ा वहां पे ना मतलब बने बना है स्टोर एक बहुत बड़ा न्यू बना है वो शायद इधर मैं क्लिप भी लूंगी बिल्कुल न्यू बना है पाउंड लैंड और जेडी वो बिल्कुल न्यू बने लास्ट दफा जब हम गए थे ना तो वहां पे बने हुए थे तो यहाँ पे आपको सब कुछ ही स्पोर्ट डायरेक्ट भी मिल जाता है सुपर ड्रग भी मिल जाता है मतलब सब कुछ यहाँ पे ना आपको एक ही जगह पे हर चीज मिल जाती है तो ये इजी होता है और हमारे हमें यानी कि ना ये टाउन की नस्बत ना यहाँ पे हमें जो है ना इजी पड़ता है तो आप देख रहे हैं जैसे कि आज हम गए हुए थे सैटरडे था तो सैटरडे को आपको पता है कि बच्चे घर होते हैं तो बच्चे खूब झूले ले रहे थे खूब इंजॉय कर रहे थे और वेदर देख लें इस तरह वेदर बना हुआ ना कि किसी वक्त भी जैसे ना स्नो होने वाली है कोई पता नहीं कि किस टाइम स्नो जो ना शुरू हो जाए ये देखें यहाँ पे ये न्यू बिल्कुल जे का और ये पाउंड लैंड जो मैं भी बता रही थी ये बिल्कुल ये भी न्यू यहाँ पर बन गए हैं अगर आपने जे डी भी जाना हो ना तो यहाँ से आप आराम से जाके रह सकते हैं तो इतनी खूबसूरत लाग रही थी लाइट्स इनकी क्योंकि क्रिसमस है तो इतनी प्यारी लाग रही थी लेकिन ज़्यादा जो होती है ना वो रात के वक्त अच्छी लगती हैं तो अच्छा इधर ना मेरे पास ना पाफ पेस्ट्री पड़ी हुई थी तो मैंने कहा आलू पफ बनाती हूँ लेकिन उसका अच्छा सा मसाला बना के ना तो फिर बनाऊंगी ताकि टेस्ट बहुत अच्छा सा आए तो यहाँ पर ये देख लें सबसे पहले मैंने थोड़ा सा ऑयल लेके उसमें मैंने थोड़ा सा जीरा डाला था फिर जो है ना लहसन डाला और मैंने प्याज डाल दिया इनको अच्छी तरह से इसके अंदर सोते करूँगी और सारा प्रोसीजर देखते जाएँ वही नॉर्मल जैसे हम इसका समोसों का मतलब मसाला बनाते हैं सेम तकरीबन वही चीज़ें इसके अंदर मैं ना ऐड करूँगी कोई एक्स्ट्रा चीज़ें इसके अंदर नहीं ऐड करूँगी चीज़ वग़ैरह भी नहीं डालूंगी चिकन भी नहीं डालूंगी पड़ा हुआ था सब कुछ लेकिन का सिर्फ मैं ना आलू की बनाती हूँ तो आपको पता है कि आजकल तो वेदर इस तरह का है ना हर वक्त बंदे का कोई अच्छी चीज़ चटपटी चीज़ें खाने को दिल कर रहा होता है बस कोई सेलड कोई इस तरह की चीज़ें खाने को तो आज तो बिल्कुल भी दिल नहीं कर रहा था सर्दी के मौसम में तो यहाँ पे तो वेदर भी इतना ख़राब हुआ हुआ है इतना खराब अब वो वेदर हो गया जो मतलब बिल्कुल ही वो जो कहते हैं ना डिप्रेसिंग वेदर जो होता है वो वाला वेदर हो गया कि हर वक्त बारिश हर वक्त बारिश हर वक़्त बारिश अब वो वाला वेदर यहाँ पे स्टार्ट हो चुका है अच्छा तो यहाँ पर मैंने सारे आपने देखा कि सारे मसाले जो थे ना वो मैंने ऐड कर दिए थे इसके अंदर और अब मैं इसके अंदर सबस मिर्ची और धनिया ऐड करूँगी और जैसे ही हम इसके अंदर लेमन जूस डालेंगे ना क्या यकीन करें इसका टेस्ट ही वो कहते हैं ना जैसे दुनिया ही बदल गई माहौल ही बदल गया तो <laughs> इसमें डालते जाते हैं जब लेमन का जूस ना तो इतने मज़े का इसका टेस्ट हो जाता है ना बिलीव में बहुत ही मज़े का इसका टेस्ट हो जाता है यहाँ पर मैंने और जूस भी इतना था ना लेमन के अंदर सही भरा हुआ था उसके अंदर वो मैंने डाला उसको ऐड किया और उसके बाद इसको अच्छी तरह से हम मिक्स कर लेंगे तो ये मेरे पास पाफ पेस्ट्री बहुत पड़ी थी लेकिन मैंने सिर्फ चार बनानी थी इसलिए मैंने इसमें से हाफ रख दी थी तो हाफ़ मैंने निकाल ली थी ये देखिए हाफ यहाँ पर मैंने ले लिए पहले मैंने सोचा था कि सारी बनाती हूँ फिर मैंने कहा इतनी मैंने नहीं बनाती इतनी बनाती हूँ जितने हम चार लोग अगर खाने हैं ना जिसने तो वो इसमें से ही ले लेंगे एक एक भी ये ना बहुत है क्योंकि चार चार तो किसी ने खानी नहीं है तो ये देखें जो जो सारा जो मैं हमने मसाला बनाया ना वो हम इसके अंदर डालेंगे इसके अंदर अच्छी तरह उसको मैं उसके अंदर मतलब फैला लूँगी उसको अच्छी तरह से सारे को और उसके बाद हम इसको बंद करेंगे और इसको हम ना मतलब आगे से ना इसको करने के लिए आ, कांटे की कांटे के साथ ना हम इसको अच्छी तरह लॉक कर देंगे आगे से ताकि आलू वगैरह ज्यादा ना मतलब बाहर ना निकले तो ये करेंगे और इसके ऊपर ना मैं अंडा इसलिए नहीं लगाती जैसे मैंने पहले भी कितनी बताया कि जिसान को एलर्जी होती है तो इसलिए मैं नहीं लगाती जो ना अंडा मैं हमेशा कोशिश करती हूँ कि मैं ऐसी चीज़ यूज करूँ कि अगर उसने खाना भी हो ना तो वो आराम से खा सके कोई मसला ना हो मतलब खाने में ये देखें यहां पर मैंने दूध लगा दिया आप दूध भी लगा सकते हैं कुछ भी लगा सकते हैं इसके ऊपर तो कुछ भी तो नहीं लगा सकते दूध लगा सकते हैं ये अंडा वगैरह लगा सकते हैं तो मेरे पास सफेद तिल पड़े हुए थे वो मैंने कहा सफेद तिल भी लगाती हूँ अच्छे लगेंगे और वैसे खूबसूरत भी लगे होंगे खाने में भी मज़े मज़े के लगेंगे तो ये देखें ये हमारी पफ पेस्ट्री जो थी ना आलू की पफ जो थी ना हमारी तैयार हो गई थी मैंने जितना प्री हीट करने के लिए पहले ही ओवन को रख दिया था वन एटी पे रखा था मैंने और तकरीबन दस मिनट पहले मैंने प्री हीट करने के लिए इतनी देर मैं तैयार कर रही थी तो इतनी देर में मैंने प्री हीट करने के लिए रख दिया था ये देखें कि मैं बता रही हूँ कि आजकल कुछ खाने को दिल नहीं कर रहा होता यहाँ पे पास्ता भी बन रहा था मैं वो बना रही थी आलू पफ बना रही थी साथ ही मैंने चावल बॉय किए हुए थे क्योंकि कद्दू दाल भी पड़ा हुआ था हमारे पास चिकन दाल भी पड़ा हुआ था तो मैंने कहा सारी चीज़ें पड़ी हुई हैं तो फिर बेहतर है इतना ज्यादा मैंने यहाँ खाना ना बनाऊँ जो पहले है उसको यूज़ करें तो ये देख लें माशा से हमारे जो आलू के पफ थे कितने मज़े के लग रही हैं और खाने में तो क्या ही बात थी इतने मज़े के इतना यकीन करें कश्यप कर भी ले गई थी अपनी जॉब पे क्योंकि उस वक्त हो रहा था तकरीबन तो चार पाँच का टाइम हो रहा था जिस वक्त मैंने बनाए थे शाम का तो फिर आपको बताया जैसे कि खाने को इतना मतलब दिल नहीं कर रहा अगर आपने दिन में लंच कर लिया तो फिर आपका शाम के वक्त को खास खाने को दिल नहीं कर रहा होता तो वो फिर मैंने सोचा था मैं खाऊंगी लेकिन मैंने भी नहीं खाया था ये देखिए अंदर से कितने मज़े के आप चीज़ भी यहाँ पर ऐड कर सकते हैं आपकी मर्ज़ी है चिकन भी ऐड कर सकते हैं आपकी मर्ज़ी है वो चिकन और चीज़ वाले मैं पहले कितनी दफ़ा बना चुकी थी तो मैंने कहा आज मैं ना सिर्फ़ आलू वाले ही बनाऊँगी तो आलू वाले का टेस्ट इतने मज़े का था और ऐसे लग रहा था जैसे पफ तो जो बनाई है लेकिन ऐसे लग रहा था जैसे हम समोसे खा रहे हैं अच्छा आज संडे था ना तो संडे वाले दिन जो है ना सारे लेट उठ रहे थे तो मैंने देखा आलू की ईमाना पड़ा हुआ था मैंने कहा एक्स्ट्रा पड़ा हुआ है तो कोई भी नहीं इसको खा रहा दो दिन से पड़ा हुआ था तो आटा जो हमारा है ना आप देख रहे हैं कि थोड़ा सा कलर चेंज लग रहा होगा ये इसलिए कलर चेंज लग रहा है क्योंकि हम मल्टी ग्रेन आटा यूज़ करते हैं तो थोड़ा सा आटा दूसरा भी इसके अंदर यानी कि मिक्स कर लेते हैं लेकिन मल्टी ग्रेन की जो होती है ना वो बोरी छोटी जो होती है वो वाली लेके आते हैं फाइव के जी की तो उसके अंदर हम थोड़ा सा दूसरा भी यूज़ कर लेते हैं तो यहाँ पर देखा मैंने ना उसका मसाला सारा तैयार कर लिया था आलू और चिकन का आलू भी थे आलू और सॉरी कीमे का तो साथ में मैंने ना मसाला थोड़ा सा मसाला ऊपर से और एड किया हल्का सा नमक डाला क्योंकि आटे में नमक नहीं था तो मैंने कहा चले मैं मजे के ना तीनों मतलब जो हमारे घर के मैन है ना जो बंदे हैं जो मर्द हैं उनके लिए मैंने कहा मैं ना पराठे बना देती हूँ तीन ये देखे मैंने माशाल्लाह से हैवी पराठे बनाए थे कशफर मैं तो वैसे ही कीमे वाला तो वैसे ही नहीं खाती आलू वाला भी खाना हो तो बिल्कुल छोटा छोटा अगर हो तो खा लेते हैं तो कभी भी नहीं खाया मैंने तो तो बड़े ही अरसा हो गया अब खाए हुए अब किसी दिन बनाऊंगी मैं अपने लिए फिर मैं आपको बताऊंगी कि मैं अपना कैसे बनाती हूँ तो ये देखे इन तीनों के लिए मैंने बना दिया था जीशान तो वेट कर रहा था ये सबसे पहले जीशान को मिला था तो ये साथ ही मैं दूसरा उसामा का भी बनाया उसको भी मैंने जल्दी से बुलाया हस्बैंड भी घर ही थे सारे आपको बताया कि संडे था तो सारे ही घर थे तो मैंने उन तीनों के लिए बना दिए थे पराठे तो हम लोगों ने तो का लिया था नाश्ता मैंने किया था बेगल के साथ नाश्ता मैंने ऑमलेट बनाया था ऑमलेट बना के तो ऑमलेट नहीं बनाया था वैसे ही नॉर्मल अंडा बनाया था ब्लैक पेपर और उसके अंदर डाल के ना थोड़ी सी थोड़ा सा नमक और इसी तरह बेगल के अंदर गर्म करके बेगल को तो उसके अंदर ही मैंने लगा के बस वो नाश्ता किया था ब्लैक कॉफ़ी साथ ली थी तो वो मैंने नाश्ता किया था अच्छा जैसा कि मैं बता रही हूँ कि चावल जैसे मैंने बॉयल किए थे तो ये जाहिर है आज सुबह मॉर्निंग की बात है चावल तो मैंने कल बॉयल किए थे तो वो भी थोड़े से खाए थे कश्यप ने थोड़े से लिए थोड़े से मैंने लिए ऐसे ही पड़े हुए थे वो भी थोड़े से और हालांकि बॉयल भी आपने देखा कितने से कम मैंने किए हुए थे तो आज मैंने कहा आज मैं नई वैरायटी निकालती हूँ आज मैं तवे के ऊपर ही बिरयानी बनाती हूँ चिकन मेरे पास पड़ा हुआ था तो मैंने कहा चिकन पड़ा हुआ है बोनलेस फ्रिज में मैं एक्स्ट्रा अक्सर जो है ना एक्स्ट्रा रखती हूँ या तो मैं उसको मतलब मैरिनेट करके रख देती हूँ तो या फिर मैं वैसे अभी ये इसको मैंने मैरिनेट नहीं अभी किया हुआ था ये पड़ा हुआ था मैंने कहा ना मैं तवे के ऊपर यना बिरयानी बनाती हूँ तो आपने देखा सबसे पहले मैंने थोड़ा सा जीरा डाल के प्याज ब्राउन किए प्याज ब्राउन करके मैंने चिकन वगैरह उसके अंदर डाला चिकन डाल के अब देख रहा हाँ मैं ज़्यादा से प्याज डाल दी है बिरयानी मसाला डाल दूँगी सीधी बिरयानी मैंने दिखाई है आपको तो वो डाल दूँगी थोड़ा सा नमक डाल दूँगी तो बस ये हमारा जो है ना इसको मिक्स करके ऊपर से मैं इसको कवर कर दूंगी जब ये थोड़ा सा अच्छी तरह नरम हो जाएंगे ना टमाटर जो है उसके बाद मैं इसके अंदर इनको अच्छी तरह से मिक्स करके क्योंकि आपको पता है कि चिकन इसके पानी में ही गाल जाएगा देखा जैसे मैं टमाटर डालती गई ना पानी मतलब उसके अंदर ना मतलब उसने पानी छोड़ दिया प्याजों ने तो इसके अंदर चिकन गाल जाएगा तो जैसे ही अगर थोड़ा सा इसमें हो कि भी मतलब सही नहीं गलेगा तो उसके बाद मैंने इसके अंदर एक चम्मच जो था दही डाल दिया था दही डालने के बाद माशाला से हमारा जो ना मैंने फिर उसको कवर करके रख दिया था आपको पता है कि दही भी पानी छोड़ता है तो यहाँ पर ये यह देख लें चीज़ें पहले से मैंने रेडी की करके रखी हुई थी बिरयानी बिरयानी आप देख रहे हैं कि कितनी क्वांटिटी में बन रही है लेकिन ये है कि लेफ़्ट और चीज़ लेफ़्ट ओवर चीज़ों को हम इस तरह भी यूज़ करके ना तो आप उनको इतने अच्छे तरीके से अगर बना सकते हैं ना तो बना लें तो फैमिली भी खुश हो जाएगी आप भी खुश हो जाएंगे और चीज़ें भी इस्तेमाल हो जाएंगी तो यहाँ पर यह देखें हमारा ना इस वक्त चिकन मैंने देखा था गल गया था बिल्कुल अब हम इसकी कर देंगे मतलब इसको सजा लेंगे संवार लेंगे दम लगाने से पहले जो कि हमारे लवाजमत इसके ऊपर डालते हैं उन्हीं प्याजों में से मैंने थोड़े से प्याज बिल्कुल आप देख रहे हैं कितनी बिरयानी है ये दो प्लेटें भी है एक प्लेट एक प्लेट चावल थे तो दो प्लेटें बन जानी थी सारा कुछ डालने के बाद ये देखिए सारा कुछ ऊपर मैं डाल दूंगी इसके ऊपर थोड़ा सा मैंने फूड कलर भी पहले ही तैयार करके रख लिया सारी चीज़ें पहले तैयार करके अगर रख लेना तो आपको मतलब इजी रहता है मतलब अभी भी आप देख रहे होंगे कि मेरा गला खराब है इस मौसम में ये अब सर्दियों में ऐसे ही मौसम में ना बस ये गला इस तरह ही रहेगा कभी ठीक और कभी खराब तो अब इसको मैंने ना पंद्रह बीस मिनट के लिए दाम पे लगा दिया था मैं इसको दाम लगा के तो मैं अपनी ज़ोर की नमाज पढ़ने चली गई थी जैसे ही मैंने ज़ोर की नमाज़ पढ़ी आके के मैंने इसको जल्दी जल्दी से चेक किया तो माशाल्लाह से हमारी बिरयानी जो थी ना ए वन तैयार थी यकीन करें ऐसे लग रहा था कि किसी देख में तैयारी हुई है कश्यप भी कह रही मम्मा इतनी मज़े की लग रही है ना इतनी मज़े की लग रही क्या है मज़े की थी बहुत ये यह देखे यहाँ पर मैंने मिक्स करके रखी है ओ माई गॉड इतने मज़े की थी आपने ज़रूर बताना है कि आप लोगों को मेरी ये न्यू रेसिपी जो तवा बिरयानी मैंने बनाई है आप लोगों को ऐसी लगी है इतना मज़े का टेस्ट है ना कसम से अगर आप कभी होते ना तो आप चेक करते हैं आपको पता चलता कि कितने मज़े के इतना मज़े का टेस्ट इतना तो मैं पूरी मतलब नॉर्मल जो पूरी एक ये तो इंस्टेंट बिरयानी हो गई ना जो आप प्रॉपर बनाते हो इतनी मज़े की वो भी नहीं लाग रही होती जितने मज़े की ये ला रही थी तो मेरी आज की वीडियो यहीं तक थी आई होप आप लोगों को अच्छी लगी होगी अच्छे लगे तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना है मुझे अपनी दुआओं में याद रखें मैं भी इन ताला आपको अपनी दुआओं में याद रखूंगी नेक्स्ट वीडियो के लिए नेक्स्ट ब्लॉग तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए ओके बाय अल्लाह हाफिज़ 喂喂喂！